चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय के साथ शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज विभिन्न समाज सेवियों व विभिन्न सामाजिक संस्था द्वारा सूप दौरा का वितरण किया गया। वहीं पटना सिटी के चौक स्थित जनता होटल के पास 251 सूप दौरा व पूजन सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर समाज सेवी मोनू पटेल ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय को पूजा सामग्री वितरण कर छठ पर्व करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। इस संस्था के द्वारा जब भी पर्व त्योहार आता है तो बढ़ चढ़ कर कार्यकर्ता अपना पूर्ण सहयोग समाज के लोगों को अपना योगदान देते हैं। ये 51 सूप दौरा से शुरुआत किया गया था और आज 251 सूप दौरा से अपना सहयोग देते नजर आए। पटना सिटी में ये अलग ही नजारा दिखा। स्वर्ण रानी के साथ रोबिन राज की रिपोर्ट। कितनी आस्था है छठ पूजा को लेकर, क्या आप लोग ने व्यवस्था की है लोगों के लिए? हम लोगों ने उन लोगों के लिए व्यवस्था की जिन लोगों का मन रहता है छठ करने का, लेकिन पैसे की जो कोरोना महामारी जो है जिसके कारण जो पैसे की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी छठ तो करना चाहते लेकिन पैसे की कमी के कारण वो लोग छठ नहीं कर पाते। हम लोगों ने उन महिलाओं के बीच में जा करके उनको समझ करके कि नहीं ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में है, हम लोगों ने वैसे लोगों को जो है कूपन दिया कि वो लोग छठ करें। और हम लोग का है ना नाम से जो है इतना जो है वो लोग जो उत्साह हुआ कि उन लोग छठ करने का मन था, लेकिन इस बार पैसे के कारण लोग छठ नहीं करने वाले थे, लेकिन हम लोग का दौरा का जो प्रोग्राम जो बना और उन लोग को दौरा देंगे, इसी दौरे से वो लोग जो है छठ करेंगे। कितने प्रतियों को दौरा वितरण किया? हम लोग जो है 251 दौरा का वितरण जो है कर रहे हैं और 51 सामान की सामग्री है जिसमें जो है केला का घौर है, रूख है, ईक है, नींबू है, मतलब टोटल जो पूजा का जो है खरीदारी जो होता है 51 प्रकार का वो टोटल चीज हम लोग दे रहे हैं कि एक दौरा से एक महिला जो है छठ कर सकती है, उसको किसी चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत पूंजीपति मतलब छोटे हम लोग व्यवसाय थे, लेकिन माता रानी की कृपा हुआ, छठी मैया का कृपा हुआ, रानी मैया का कृपा हुआ, हम लोग अपने गली कठौतिया गली लक्ष्मी स्थान से 51 दौरा से ये शुरुआत किए थे। उसके बाद वाले साल में 101 किए, उसके बाद 151 किए, उसके बाद 201 किए, लेकिन इस बार माता रानी ने चाहा तो हम लोगों ने मिल करके और हमारे जो मित्र भाई हैं जो गली के जितने भी सदस्य सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ दिखाया अपना हौसला और हम लोग जो है इस कार्यक्रम को इस बार 251 रूप में जो है जो इस तरह का भव्य आयोजन जो हम लोग जो है कर रहे हैं। मेरा परिचय हुआ मन्नू पटेल, मैं कठौतिया गली का निवासी हूँ, साथ ही इस संस्था का मैं उपाध्यक्ष। यह तो बहुत अच्छा आयोजन है, मैं तो कठौतिया गली में शिव जी के मंदिर में सेवा करता हूँ और बाबा की बात है इन लोगों का इतना सम्मान हमको प्राप्त है कि हर आयोजन में हमको शामिल करते हैं और मैं भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। मैं कोशिश करता हूं और इन लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाता हूं कि आप लोग और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और खूब धार्मिक कार्य करते रहिए। हर आयोजन में, हर धार्मिक कार्यक्रम में हमारे ये जितने भाई बंधु हैं कठौतिया गली के, ये सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो मंदिर का आयोजन हो या सार्वजनिक आयोजन हो। विशेष करके छठ पर्व में इन लोगों ने हर साल कुछ न कुछ दौरा बढ़ाया है, 51 से शुरू होकर आज भगवती की कृपा से 251 दौरा बढ़ रहा है। और सभी धार्मिक भाइयों से अनुरोध है कि आप भी अपने कमाई में से कुछ जरूर निकाल के रखें जो कभी भी किसी भी पर्व में आयोजन में आप दरवाजे में खर्च करें। You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole.